फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, अगर आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो उसका प्रारूप कैसे रखें। मैंने ये अर्धवार्षिक परीक्षा का एक प्रारूप आपको दिखाया है। सन आप जिस सन में एग्ज़ाम हो वही लिखेंगे। कक्षा 8-7 जो भी आपकी विषय हिंदी, समय जितना आपको टाइम दिया था 3 घंटे मैक्सिमम देते हैं, 2.5 भी मिलते हैं, मैंने नहीं लिखा। पूर्णांक 75 नंबर, रीज़न ये 20 नंबर का पीए ले लेते हैं और 5 नंबर का प्रैक्टिकल दे देते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ तो ऐसा है। आपके यहाँ जो भी हो वैसा आप बनाएं। निर्देश, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर सुंदर लेख में क्रम अनुसार लिखें, बच्चे आगे पीछे लिख देते हैं तो इसलिए क्रम अनुसार लिखें, ये भी हमने लिखा है। फिर सबसे पहले देते हैं खंड का पठित, नहीं अपठित बोध, जो उन्होंने पढ़ा नहीं है। एक मैंने ये कहानी दे दी है, नॉर्मली इसी बहाने बच्चों को कहानी भी याद हो जाती है और ये कहानी सुनी होती है तो आंसर भी बच्चे बड़ी जल्दी दे देते हैं। उसे संबंधित 5 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। फिर दूसरा हम दे देते हैं अपठित पद्यांश, एक कविता, इससे भी संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर व्याकरण में आते हैं, व्याकरण में इनसे पूछते हैं कोई 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्रामर के जो चैप्टर आप दे रहे हैं उनसे 4 क्वेश्चन दे दीजिए, 2 बच्चों को करने के लिए आसानी हो जाएगी। फिर निर्देश अनुसार अलग अलग क्वेश्चन लिखने से अच्छा है, लिंग बदलो, वचन बदलो, हम निर्देश अनुसार लिख देते हैं। तो हमने यहाँ 8 क्वेश्चन दिए हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन को 2-2 नंबर का बना दिया है। लिंग बदलो भी है, वचन भी है, विलोम भी है, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, लोकोक्ति का अर्थ, मुहावरे, सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। किसी को रिक्त स्थान में लिया है तो किसी को MCQ में लिया है। उसके बाद हम आते हैं पठित पे। पठित पे हमने किताब की पढ़ी हुई कोई एक कविता लेनी है, बच्चों को दोनों आनी जरूरी है। 5 क्वेश्चन पूछ लिए। फिर पठित गद्यांश भी दिया है, एक चैप्टर दिया है मैंने, क्या निराश हुआ जाए इस चैप्टर से संबंधित। फिर 5 वर्ड मीनिंग दिए हैं, कोशिश करेंगे बच्चे। फिर पढ़ाए गए चैप्टरों से संबंधित क्वेश्चन 5 पूछे हैं मैंने इसमें। ये इनकी साइड बुक है, तीसरी बुक है, भारत की खोज, उससे संबंधित पूछे हैं। फिर आशय स्पष्ट करेंगे बच्चे, दोनों में से किसी एक का आशय भी है, भाव भी है। फिर इनकी जो पढ़ाई गई पुस्तक है उसमें से कोई 3 क्वेश्चन हमने दे दिए हैं। दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी ज़्यादा हम देते हैं, बच्चों बच्चों को आदत होती है कम कम आंसर लिखने की, इसलिए इन्हें दीर्घ और लघु दीजिए ताकि कुछ तो लिखेंगे। फिर इनका अगले खंड में हम देंगे लिखित बोध, समाचार पत्र में अनुच्छेद लेखन, संकेत बिंदु भी दे सकते हैं और एक पत्र लेखन दे देंगे और चित्र लेखन। मैं तो अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, जो समय चल रहा होता है उससे संबंधित कोई त्यौहार है तो उससे संबंधित पिक्चर देना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ी नॉलेज भी होती है, नई भी होती है, तो एटलीस्ट बच्चे उसका माहौल वैसा उस समय होता है तो कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। और हमारा मकसद ये होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, तो इसलिए अगर हम वैसा ही पिक्चर दे देते हैं, चित्रलेखन दे देते हैं जो त्यौहार मनाया अभी जस्ट थोड़े दिन पहले है या आने वाला है, तो बच्चे उसके बारे में आसानी से लिख लेते हैं। तो इस तरह हम अपना अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा पत्र बना सकते हैं।